माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्टेट्स और यूटीज फूड और शेल्टर की व्यवस्था कर रही हैं। अपडेटेड फिगर्स के अनुसार 21,486 यानी कि 21,486 रिलीफ कैंप सेटअप हुए हैं, जिसमें 675,193 675,133 पर्सन्स को शेल्टर दिया जा रहा है और लगभग 25 लाख लोगों को मील्स दिए गए हैं। आज लॉकडाउन के एनफोर्समेंट और एसेंशियल सप्लाईज की स्टेटस को रिव्यू करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने सारे चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीसी द्वारा डिटेल डिस्कशंस किए। कैबिनेट सेक्रेटरी ने सबको रिएटरेट किया कि कार्गो मूवमेंट हैसल फ्री होना चाहिए बिना किसी रुकावट के, और ये डायरेक्शंस ग्राउंड लेवल तक इफेक्टिवली ट्रांसमिट होने चाहिए। उन्होंने स्टेट्स और यूटीज को ये भी रिक्वेस्ट किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेडिशियसली होना चाहिए, त्वरित गति से होना चाहिए, और चूंकि ये बेनिफिट्स का डिस्पर्समेंट बैंक्स वगैरह के थ्रू करना है, तो इसकी प्लानिंग बहुत ही मेटिकुलस तरीके से करनी चाहिए, जिससे कि सबको बेनिफिट्स मिले पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स भी मेंटेन हों।